असलम नमस्कार दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कुवैत से लेटेस्ट फ्लाइट के बारे में अपडेट आ रहे हैं और साथ में और भी कई इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे इंडियंस को लेकर के अनाउंस किया गया है कि एक लाख रुपए दिया जाएगा तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस स्टूडियो में पूरी खबर देखने के लिए सबसे पहली जो अपडेट है दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि 1 अगस्त से फ्लाइट खोल दी जाएगी तो दोस्तों यहां पे बता दें कि 1 अगस्त से फ्लाइट चालू होगी लेकिन 1 अगस्त से वाया होते हुए आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं यहां पे दोस्तों जो कुवैत डीजीसीए उनके तरफ से जो अपडेट आ रही है उनके अनुसार बताया गया है कि डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश एंड नेपाल 10 अगस्त तक फ्लाइट को कैंसिल की गई है कुेत डीजीसी की तरफ से बताया गया है कि 10 अगस्त के बाद सभी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा फ्लाइट के बारे में आपको इस चैनल पे मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों कुएत से जो अगले से जो अगली अपडेट है आपको बता दे कि कुेत जो एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी जिसका डायरेक्टर सीबी जज हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत के अंदर जिनका भी सैलरी 120 सौ के डी है या फिर उससे कम है उन्हें वन लाख तक रुपीज़ दिया जाएगा और वहीं पे दोस्तों बताया गया है कि जिनका कोविड 19 से कुवैत के अंदर डेथ हो चुका है जिनका सैलरी इनकम कम था उनका जो फैमिली है उनको दिया जाएगा उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो रिलेशन में है और उनके साथ ही वो कुत एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका भी कुएत के अंदर डेथ हो चुका है जिनका भी रिलेटिव है जो है वो लोग कुेत एम्बेसी से जो यहाँ का डायरेक्टर है सीबी जाज उनसे कांटेक्ट करें उन्हें एक लाख रुपए तक दिया जाएगा दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है कुेत डायरेक्टर ऑफ सीबी जार्ज की तरफ से जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कुेत का न्यूज है वन लाख रुपीस कमेंसन फॉर लो इनकम इंडियन डायड ऑफ कोविड 19 इन कुेत तो दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट कुछ सहायता हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनका भी कुत के अंदर ऐसा हादसा हो गया जिनके साथ में भी उसके बाद दोस्तों कुवैत से जो अगली अपडेट है आपको बता दें कुवैत और मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि अभी भी कुवैत से बाहर तकरीबन दो लाख अस्सी हजार एक्सपर्ट्स फंसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे सभी कैटेगरी के, के हैं जहां पे बताया गया है कि अभी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है जैसे की अगस्त से सभी एक्सपर्ट्स का एंट्री होगा धीरे धीरे नया वीजा के ऊपर भी काम किया जाएगा उसके बाद दोस्तों अगले अपडेट में देख लेते हैं कुवैत से कोरोना वायरस की अपडेट तो दोस्तों यहां पे आपको बता दे कि कुवैत से अभी कोविड 19 का केस काफी अच्छा अपडेट है जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों उसके अनुसार आपको बता दे कि 941 नया मामला आया है और साथ में पांच लोगों की डेथ हुई है जो कि दोस्तों पहले से काफी बेहतर है काफी इम्प्रूव है साथ ही में यहां पे तेरह रिकवरी भी हुआ है तो दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट है कुेत से कोविड 19 का केस को लेकर के दोस्तों ये था कुेत से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट कुेत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें दोस्तों कुेत से फ्लाइट को लेकर के कोई भी क्वारी या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं दोस्तों कुेत से अगली अपडेट